गदर 2 से टकराने के लिए आ रहे हैं अक्षय कुमार। धमाकेदार पोस्टर के साथ OMG 2 की रिलीज डेट हुई अनाउंस। हम देखते आ रहे हैं कि अक्षय कुमार का पिछले काफी समय से वक्त खराब चल रहा है। उनके फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही जो कोविड से पहले परफॉर्म करती थी। कोविड से पहले अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करती थी। यहाँ तक कि साल 2019 में अक्षय कुमार ने 4 फिल्में रिलीज की थी और ये सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। लेकिन कोविड के बाद समय बदल गया। अक्षय कुमार ने जितनी भी फिल्में रिलीज की वो सब बुरी तरह पीट गई। रीजन था ज्यादातर रिमेक फिल्में होना और बिना हाथ पैर की स्टोरी में अक्षय का काम करना। यही वजह थी कि अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती जा रही थी। लेकिन अब फाइनल इस फ्लॉप लिस्ट पर मोहर लगाने के लिए अक्षय कुमार की एक धमाकेदार फिल्म आ रही है जिसको लेकर हमने आपको पहले ही अपडेट दे दी थी और वो फिल्म है OMG 2। बता दी कि ये फिल्म पहले OTT पर रिलीज होने वाली थी और हमने आपको पहले बताया था कि मेकर्स अब ये फिल्म का डिसीजन चेंज कर दिया है। अब OMG 2 को OTT पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। तब कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन फाइनली आज ये फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है, वो भी एक थिएट्रिकल रिलीज डेट के साथ। जी आपने बिल्कुल सही सुना, OMG 2 फिल्म OTT पर रिलीज नहीं होगी। जैसा कि हमने बताया था कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज की जाएगी और ये एक मेकर्स का बहुत ही अच्छा डिसीजन कहेंगे, क्योंकि OMG 2 फिल्म एक फ्रेश स्टोरी के साथ बनाई गई है। ये फिल्म की स्टोरी ना तो कहीं से कॉपीड है या फिर ना ही ये फिल्म की स्टोरी बोरिंग रहने वाली है, क्योंकि ये फिल्म एक फ्रेश स्टोरी के साथ बनाई गई है, वो भी इंडियन एजुकेशन के ऊपर। बात करेंगे फिल्म की तो ये फिल्म में अक्षय कुमार महादेव का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा ये फिल्म में यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी भी रहने वाले हैं और ये दोनों ये फिल्मों में पेरेंट्स का किरदार निभाएंगे जो अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो। अब आते हैं फिल्म के रिलीज पर, तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है 11 अगस्त के दिन। बता दें कि इसी दिन गदर 2 फिल्म भी रिलीज होने वाली है, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर हमें OMG 2 और गदर 2 का एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा कि ये दोनों में से कौन सी फिल्म चल पाएगी या फिर दोनों चलेगी, क्योंकि अगर दोनों की स्टोरी अच्छी रही तो दोनों चलेगी या फिर जिस फिल्म की स्टोरी अच्छी रही वो बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार लेगी। तो दोस्तों आप इतने एक्साइटेड है OMG 2 को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।